उनकी अगर बात करें, उन्होंने अभी आज बजट एलोकेट किया है, उसके ऊपर तकरीबन 90,000 करोड़ उन्होंने मेडिसिन का, मेडिकल सेक्टर का सिर्फ रख दिया है, यानी कि और इंपोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में कमी कर दी है। अभी आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं या वैसे यहाँ से गुजर रहे थे? हॉस्पिटल से आ, मुझे बताएं कहाँ सर्विस कैसी प्रोवाइड की जा रही है हॉस्पिटल में, और गवर्नमेंट की अगर बात करें मेडिसिन की कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है? ये देखिए, अभी मैं टेबलेट लेने आया हूँ, ठीक है, न्यूट्रल फोर्ड है और एक मिनट कौन सी है, ठीक हो गया, वो कहते इधर से नहीं मिलती। तो ये सरकारी हॉस्पिटल से क्यों नहीं मिल रही? मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप ये प्राइवेट क्लिनिक से या प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर है, ठीक है, क्या समझते हैं दुनिया के दूसरे कंट्रीज में मेडिकल के ऊपर काफी वर्क किया जा रहा है? अभी ये नेपर कंट्री में बजट उन्होंने पेश किया जिसमें 90,000 करोड़ सिर्फ मेडिसिन के लिए रखा है, हमारे इधर बजट आया उसके बाद मेडिसिन की कीमतों में, खासतौर पर इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो गया। इस टाइम तो आप देख ले कि ओवरऑल जो पूरे मुल्क में किसी चीज की समझ नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही, ठीक है, ये सामने आपके सामने पैसा लग रहा है, ठीक है, ये साल के बाद इसने खत्म हो जाएगा, अच्छा, इसकी भी मेंटेनेंस नहीं रहनी, लेकिन आम आदमी को हेल्थ को प्रोवाइड कर दी जाए। सर आप अंदर जाके देखे ना, लोग हबस में लेटे हुए हैं, उनके जो लवाई की है, जो बाहर लेटे हुए ना, ठीक है, इतनी हबस है, ये देखिए आप, तो सही, ठीक है, मैंने तो अभी अंदर से विजिट किया, वो कह रहे हैं व्हील चेयर नहीं मिल रही, कोई कह रहा है जी लेटने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा, एक बेड पे दो दो मरीज है, मेरी वाइफ प्रेगनेंट है आज, अल्लाह पाक ने मतलब बेटी दी है, चले मुबारक हो, खैर मुबारक, वो उस बेड पे दो मरीज, आप बताए, ठीक है, अच्छा मुझे बताएं जो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपने ऑपरेट करवाया, ठीक है, ये सारे ऑपरेट में कितने पैसे लगे हैं, कल जो ऑपरेट हुआ और अभी तक कितने पैसे लगे टोटल? असल में अंदर से तो मेडिसिन वगैरह के पैसे तो नहीं दिए, ठीक है, लेकिन जो बख्शीश देते रहे ना हम, ठीक है, कम से कम 10-15 हज़ार रुपए देंगे, 10-15 हज़ार अंदर हॉस्पिटल में दे दिया, चले वो अपनी खुशी से या जैसे भी, जबरदस्ती दे के जाए, ठीक है, और मेडिसिन पे कितने पैसे लगे? मेडिसिन के ऊपर तो अभी इन्होंने मेरे ख्याल जो दूध वगैरह लिख के दिया है, ठीक है, उसके ऊपर 3 से 4 हज़ार रुपया लगा, ठीक है, बाकी ब्लड वगैरह दिया, अभी इन्होंने लिख के देनी है, वो तो फिर पता चलना है। अब ये बच्ची जो पैदा हुई है, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, मुझे बताएं, मकरूज है, हाँ यही कह लगा हूँ, 4 हज़ार उसने आने का टैक्स दे दिया दुनिया में, उसके बाद अब जब वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो उसके ऊपर 1,000 रुपए टैक्स है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, सर मैं आपको एक बात बताऊँ, गवर्नमेंट को छोड़े आप, ये आवाम खड़ी है ना, बिल्कुल ऐसे, ये आज खड़ी हो जाए बात, सारे मामला ठीक हो जाएंगे, आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश में जो इस, सर जी आप वैसे भी मर रहे हैं, आप वैसे भी मर रहे हैं, महंगाई में मर रहे हैं, मेरे घर के अंदर एसी नहीं चलता, 28,000 बिल आया, 28,000 रुपया बिल आया बगैर एसी के, बगैर एसी, आप बताएं मुझे, ठीक है, 4 पंखे हैं, 4 लाइटें हैं, आप जॉब क्या करते हैं, बिजनेस, मेरा अपना काम है, तो मेरी चीखें निकल रही हैं, और जो आपके पास आ रहे होंगे, या मैं उनको देख के मैं रोता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं जुल्म तो नहीं कर रहा आपके साथ, ये सिचुएशन है, और फिर बड़ी बात ये देखें, ये भाई से बात करके खुशी इसलिए हुई है, कम अज कम इन्हें अवेयरनेस है, इन्होंने बोला है, बहुत से लोग बोलते नहीं कि यार ठीक है, मतलब हमें बोलने का क्या फायदा, आपको लगता है कि बोलने का कोई फायदा नहीं है? सर है, तभी तो आपको पकड़ते रात को आके, ये तभी तो आपके घरों में घुसते हैं वो, इसको पकड़ लो, इसको सर्च करो, ये कहाँ बोल रहे हैं। आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश में इस टाइम देखें, उनके सिर्फ ये था कि भाई आपने जो 20% या 30% बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने कोटा रखा हुआ था मुलाजमीन के हवाले से, उसको कम करें या बढ़ाएं, इसके ऊपर लोग सड़कों पे आ गए। नेपर कंट्री इंडिया है, उनकी अगर बात करें, उन्होंने अभी आज बजट एलोकेट किया है, उसके ऊपर तकरीबन 90,000 करोड़ उन्होंने मेडिसिन का, मेडिकल सेक्टर का सिर्फ रख दिया है, यानी कि और इंपोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में कमी कर दी है। आप अंदर जाके देखे, मरीन नवाज ने अपनी फ्लैक्स लगाई हुई है, अच्छी बात है ना, जब मैं ये पर्ची लेके खड़ा हुआ ना, मेरा दिल कर रहा था मैं ऐसे लगाऊं इसके ऊपर, हाँ फ्लैक्स के ऊपर लिखा हुआ था फ्री अद्वियात, ठीक है, आपके पास ये 2 टैबलेट ही नहीं है तो फ्री नहीं। अभी ये ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग समझेंगे कि भाई शायद अपने पास से कह रहे हैं या खुद में, ये इधर जितने भी लोग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।